मणि ज्योतिष केंद्र पंडित शरद त्रिपाठी। सर, जो बोर्ड ये आप देख रहे हैं, ये किदवई नगर के जाने माने ज्योतिषी श्री शरद त्रिपाठी जी का बोर्ड है। ये बोर्ड भी देखिए, ये काफ़ी समय से किदवई नगर में उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में अच्छा नाम पैदा किया है। इनसे मैंने इंटरव्यू की कंसेंट ली है। आज मैं इनका, ये इनका ऑफिस है सर, ये फर्स्ट रूम है इनके ऑफिस का। इनका इंटरव्यू सर अलग तरीके का होगा, क्योंकि ये मतलब काफ़ी अलग इनका पर्सनालिटी है। जैसे एक पंडित की है, उसकी छवि हमारे मन मस्तिष्क में समाई हुई होती है, वैसा कुछ नहीं है। मैं भी जब पहले इनसे मिला था तो मैं थोड़ा चकित भी हुआ था, लेकिन ठीक है, आजकल तो हर चीज़ में जो है ब्रांडिंग और इमेज बनाने का रहता है, तो उनका भी इसी तरीके का एक हुआ है। अब इनसे जब बात होगी तो आगे इनके बारे में पता चलेगा। काफ़ी शानदार इनका व्यक्तित्व है और इनका काफ़ी नाम भी है। तो सर, जैसे इंसान कोई भी काम करता है तो पैसा कमाने के लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन काम का मज़ा तभी है जब उसको एक पैशन समझ के किया जाए। उस काम को करने में आनंद आना चाहिए। जैसे मई जून की गर्मी में क्रिकेटर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं, उसी तरीके से अगर हम कोई भी काम इतने प्यार से करेंगे तो काम करने का आनंद ही दूसरा होगा। तो मुझे भी त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व में वही खूबियाँ दिखी हैं। बाकी अभी आगे जब इंटरव्यू होगा तो उसको हम आगे देखेंगे। इस काम में सर यही तो है, इंसान जो दिख रहा होता है उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को खोलने का हमें अवसर मिलता है। तो अब ज़्यादा समय में नहीं वेस्ट करूँगा और आपको इंटरव्यू कर्ता के हवाले करता हूँ। तो चलिए, ओवर टू यू। साथियों, मैं अनुपम शुक्ला अपने चैनल ग्रुप से कानपुर के आपका स्वागत करता हूँ। इंटरव्यू की श्रृंखला में आज मैं एक जानी मानी शख्सियत की मैं निकल सर त्रिपाठी के पास आया हूँ, तो इनका मैं एक छोटा सा इंटरव्यू करूँगा, इनके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। वो सवाल जो मेरे मन में घुमाते रहते हैं उनका थोड़ा आंसर पाने की जिज्ञासा से करूँगा। और त्रिपाठी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? सब बढ़िया है। बढ़िया है। इस प्रोफेशन में आप कितने समय से हैं? अप्रॉक्सीमेट आप 25-26 साल। 25-26 साल। 90-92 के बाद से। 92। तो ये मतलब आपका कई जनरेशन से चल रहा है कि मतलब आप अपनी पीढ़ी के ऐसे चिराग निकले जो इस क्षेत्र में गए? नहीं, ऐसा तो है कि हूँ तो मैं खैर शुद्ध ब्राह्मण परिवार से ही जी, लेकिन हमारे 5-6 पीढ़ी तक का तो इतिहास हमको पता ही, हमारे यहाँ तो एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा। बल्कि हमारे पिताजी तो हमको डरते थे, हम जब शौक में हम किताबें पढ़ते थे तो कहते थे अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हो, चूँकि नौकरी पैसा हम लोग रहे हैं सब जितना परिवार, कहते थे अच्छा खासा करो, पता नहीं क्या करोगे, पंडिताई करोगे क्या। खैर, कालांतर में हमने सर्विस भी की, लेकिन इसके ज्योतिष का इतना कार्यभार बढ़ गया कि वो भी हमको छोड़ना पड़ा। पहले मैं एलएमएल में ये सुपरवाइजर की ऐसे हुआ करता था। तो आपको मतलब इसका ज्योतिष का पैसन था मेरे, जैसे आपकी बातों से मुझे लग रहा है। देखिए, सीखना तो अगर जो सच्ची बात है तो ज्योतिष के प्रति हमारी आस्था और लगाव तो थी, लेकिन ज्योतिष से भी पहले उस समय कंप्यूटर आया था नया, तो कंप्यूटर से जन्मांक बनाने का हमने कार्य शुरू किया। लेकिन ये एक प्रकार से ये सॉफ्टवेयर द्वारा निर्मित कार्य था। जब हम बनाने लगे तो हमारे मन में बड़ा, हमको ये सोचते थे रात में, यार कंप्यूटर ये कुंडली बना देता है, लेकिन इसका बनाने का कोई फार्मूला होता होगा, कोई गणित होती होगी, कल को कोई हमसे सवाल पूछे ये कंप्यूटर गलत बना रहा था, हम उसको सही तो बता पाए। और उस जिज्ञासा में हम उसको सीखने की तुलना में आगे बढ़ते गए। फिर मैंने गणित पढ़ी, फिर फलित पढ़ी, फिर उसी में फिर वो डूबते गए उसमें। जैसे आपकी बातों से मुझे लगा कि जैसे मान लीजिए जो सॉफ्टवेयर से निकालना है वो तो कोई अनाड़ी भी निकाल के डाल देगा, लेकिन आपके कहने मतलब उसका लॉजिक तो कुछ होना चाहिए जो निकाल के दिया है। बिल्कुल, पता चला मैंने आपको दे दिया, फीस ले ली, लेकिन मुझे खुद ही नहीं कुछ पता है
तो वो उसका कोई जस्टिफिकेशन मेरे ख्याल से आप यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका बड़ा आपको लाभ मिला, क्योंकि जिसको भी अच्छी गणित का ज्ञान नहीं होगा वो कभी अच्छा फलित का ज्ञाता हो ही नहीं सकता ज्योतिष में। तो चूंकि गणित की हम खोज में भाई सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ, तो किन्हीं इंसानों का ही ना एस्ट्रोलॉजी जो प्रोग्राम उसमें डाला गया है, फार्मूला लेके प्रोग्राम लेके डाला गया, तो उसी की जिज्ञासा में आगे बढ़ते रहे। तो दर्शकों ये चीज निकल के आई कि केवल सब प्रॉब्लम सुलझाना ही एक हल नहीं होता, कि प्रॉब्लम हमने सुलझा दी, लेकिन मेरे मन में ये कचोट रहा है कि मैं इसको ये हल दे रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या है? मुझे तो पता होना चाहिए त्रिपाठी जी की बातों से, मुझे लग रहा है ये अच्छी चीज़ है कि हमको कुंजी, जैसे कुंजी बचपन में होती थी तो कुंजी का ही हमको एजुकेशन नहीं करनी है, वो कहाँ से वो आया है, वो गणित कहाँ से आया है, ये भी हमको पता होना चाहिए, यही कहना चाहते हैं ना। जी जी जी। और इसी कड़ी में सन 2001 में धीरे धीरे हमने कानपुर के सबसे पहले ज्योतिष विद्यालय की स्थापना की, आज हमारा स्कूल भी चल रहा है, आज लगभग ज्योतिष का विद्यालय को चलते हुए 20 साल हो गए। तो और रविवार की उसकी कक्षाएं होती हैं, कभी आप लोग आइए, अभी तो कोरोना काल है, विद्यालय बंद चल रहा है, तो विद्यालय भी आपको दिखाएंगे कि शहर के अच्छे से अच्छे लोग आते हैं पढ़ने, महिला पुरुष सब लोग आते हैं, और उसका भी ज्ञान बांटने का हमारा उद्देश्य ये था कि हम ज्योतिष की विद्या के प्रति जो रुचि रखते हैं उनको सिखाएं। और आप विश्वास करेंगे लगभग उसमें 90% आदमी शौक में सीखने आते हैं कि ये विद्या क्या है। और हमारा उद्देश्य ये है, अगर दिन की आपको बात बताएं तो हम ये ज्योतिष की पढ़ाई करने के बाद इतना तो समझ गए कि ये ज्योतिषी कभी कोई अधर्म की या गलत बात नहीं कर सकता। और कानपुर शहर में 20 साल में इतने लगभग करीब 1200-1400 हमारे पढ़ाए हो चुके हैं, और हम चाहते हैं करीब 2500 हो जाए। तो प्रत्येक गली में जब एक ज्योतिषी होगा तो अपनी गली को सुधार देगा, ऐसे करते करते हमारा शहर सुधर जाएगा। तो हमारे कभी जो है शहर में कोई क्राइम या गलत चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ये ज्योतिषी कभी गलत नहीं सोच सकता। तो दर्शकों ये इन्होंने जो है पॉजिटिव सोच के साथ में इसका अल्टीमेट सोचा कि ज्योतिषी अगर बढ़ते रहेंगे तो जैसे त्रिपाठी जी सबको अपने जैसा समझते हैं, चलिए अच्छी चीज़ है अपने जैसा समझते हैं, लेकिन इसी कड़ी में मैं इसका जवाब तो आप लोगों को छोड़ता हूँ, लेकिन मैं त्रिपाठी से अगला सवाल ये करता हूँ कि ज्योतिष आपकी निगाह में क्या है, विज्ञान है कि गणित है कि और भी जो भी, उसको कैसे परिभाषित किया जाएगा, व्हाट इज ज्योतिष? देखिए ये गणित से ही तो बनी है पूरी ज्योतिष, और गणित है पूरा पार्ट, गणित साइंस भी कहा जा सकता है, और ये हाँ, और ये 100% साइंटिफिक है, कहीं कोई अंधविश्वास इस नाम की कोई चीज नहीं है। जो बीच में कुछ लोग आए अपनी अपनी दुकान सजाने के लिए बोलते हैं, तो वो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आप मानिए कि जो भी है ये ज्योतिष है क्या, इतना आप क्या समझते हैं? जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल, खैर इसका इतिहास तो नहीं मिलता है, क्योंकि द्वापर युग में भी ज्योतिष तो लेट आया, त्रेता में भी आया, सतयुग में भी आया, तो पता नहीं कब क्या आया, ऋषियों ने कब क्या किया, लेकिन ज्योतिष की जो होती गणना वो जन्मांग से होती है। और जन्मांग क्या है? आदमी के जन्म समय का ग्रहों का पूरा उल्लेख है कि जन्म के समय में जो ग्रह थे वही उसका खांचा है, उसी को जन्मांग बना दिया गया। और कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, एक जो है, तो ग्रहों ने बालक जब कोई धरती पर आया पैदा हुआ तो सभी ग्रहों ने अपने अपने एंगल से एट ए टाइम जो थे उस बालक को देखा और उसको वैसी अपनी छाप दे दी, फर्स्ट इम्प्रेशन, और बालक वैसा ही वो जीवन भर चलेगा। ऐसा ही हमारे ऋषि मुनियों की गणना रही होगी कि उस आधार पर इसका भविष्य क्या होगा, और ये भविष्य को जानने की एक प्रकार से विद्या है। तो त्रिपाठी जी की बातों से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो लेकिन चक्कर क्या है, मेरे इंटरव्यू में मैं एटेंडम में सवाल पूछता हूँ जो मेरे मन में आता हूँ। देखिए त्रिपाठी जी, जैसे मेरे मन में या जनता के मन में ज्योतिषी की छवि होती है कुर्ता और माला फलाना ढिकाना, लेकिन मैंने जब भी आपको देखा है आप एक बिल्कुल मॉडर्न अटायर में रहते, तो इसके बारे में आपने जानबूझ के किया कि आप मतलब कैसा लगेगा, इसके बारे में अपना कुछ सोचा कि मतलब इसे कैजुअली? ये तो बड़ा व्यक्तिगत सवाल आपने पूछ लिया। हालांकि ये हमारा एक प्रकार से संकल्प था, आज आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, एक प्रकार से संकल्प था, क्योंकि हम पूरी तरीके से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और लोगों को ये था कि धोती कुर्ता पहनने वाला ही ब्राह्मण हो सकता है, पहनने वाला पंडित हो। तो हमने उस समय जो है ये मिथक अपने कहा, एक दिन हम जो है अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन के भी दिखाएंगे और पैंट शर्ट में सूट में भी रह के दिखाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि जिससे इसका कोई इससे लिंक नहीं, आपका हृदय साफ होना चाहिए, आपका हृदय स्वच्छ होना चाहिए। सर जो मेन डिलीवरी है, मेन जो आप डिलीवर करेंगे उसका महत्व, बस ज्ञान बिकता है। सरस्वती जो है
अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपके पास अपने आप आएंगे, कपड़ों वपड़ों से कोई कुछ नहीं। आज एक बात आपको वाकया बताते हैं, चूंकि हमारे पास हिंदुस्तान से कई ऐसे हैं तो नाम नहीं लेंगे, हालांकि आज के समय में टीवी पे उस पर करके नामी जो है वो बहुत बड़े साधु संन्यासी एस्ट्रोलॉजर से हो गए, शहर के तो नहीं दिल्ली के हैं, अभी उनके ऊपर कई ऐसे केसेस भी चले। तो वो दिल्ली में हमारे साथ आज से 20-22 साल पहले पैंट और जीन्स पहन के वो घूमते थे, हम लोग जाते थे जब कभी आपस में मिलते थे सब कुछ थे। धीरे 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 उन्होंने अपना व्यवसाय चोला बदला और वो भगवाधारी पे आ गए, फिर वो अपने आप को हिमालय बताने लगे, फिर दिल्ली में आश्रम खोला, फिर करोड़ों अरबों कमाए और आज की तारीख में उनके जाने क्या क्या भक्त हैं, वो क्या क्या हुए। एक बार वो उनसे कई साल बाद मिले, उनसे कहने लगे यार सदा तुम भागल हो, तुम भी सब बदलो कहा है, सब पहनते हो, अपना करो, अपना काम जान पूरा ड्रामा करो। तो ये बोल सकते बिल्कुल है नहीं सर। तो हमने कहा यार जो हमारे पास पूंजी और स्वतंत्रता है वो तुम्हारे पास नहीं है। कहने लगे क्या, हमने कहा कि आपके पास भी सैकड़ों हजारों होंगे जो आपके यजमान हों, क्लाइंट हों, जो कुछ भी हों, और हमारे पास भी 10-20-50 तो होंगे। तुमको हम 1,00,000 रुपये देते हैं चाहे तुम जितने बड़े हो, तुम्हारा कोई व्यक्ति खास यजमान जो अपना है और जिसकी तुम पूरी कुंडली देखते हो और भगवान की दया से उसके बच्चे की लड़के की शादी तय हुई और वो तुमको कार्ड देता है, यहाँ देता है, और हमने कहा हमको भी देता। हमने कहा जब तुम उसके यहाँ शादी में जाते हो बड़ा काम झाम उसके लिए एक आफत पैदा कर देती हो, वो तुम्हारी तरीके से सिंहासन लगा हुई लगा, और हम उसके लड़के की शादी में बैंड में डांस कर सकते हैं, हमारे पास ये स्वतंत्रता है तुम्हारे पास नहीं। तो आपने अपनी स्वतंत्रता खोई है, इसका काम झाम का कोई फर्क नहीं है। ने अपनी स्वतंत्रता भी खोई और सामने वाले के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट की। साफ साफ ध्यान तो शुक्ला जी तो ज्ञान ही है, आप समझिए कोई उसके लिए वो नहीं है। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। तो चूंकि आपका इतना बृहद व्यक्तित्व है कि इसमें इंटरव्यू तो बहुत लंबा चल सकता है, लेकिन हमारे इसकी बाध्यता है कि 12-13 मिनट से ज़्यादा होता है तो देखते नहीं। लेकिन एक आमतौर पर मैं देखे जो मेरे पास सवाल तो हट गए, एक सवाल मैं करंट टॉपिक पर करता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री कल लेह में गए तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रधानमंत्री जी जो लेब गए हैं वो देखा जाए मीडिया और चैनल हुई है कि वो हमारे जो भी वहाँ पर सैनिक तैनात हैं उनके लिए जो है एक संदेश देने गए और उनके अंदर एक जोश भरने उत्साह भरने गए, ऐसा कहा जा रहा है ये लोग। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ जी, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये एक अच्छा संदेश रहेगा हमारे उस विरोधी देश का जो है अपनी हर चीज़ पर दादागिरी दिखाते हैं। तो एक एक्टिव जो है पीएम मिला हुआ है, कम से कम वहाँ जाकर वो जो है कोई ना कोई बात कह रहा है। जैसे कल जो है मोदी जी ने कहा कि जो भी देश विस्तारवादी है तो किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन आज जो है वो उस पर चाइना का फौरन उस पर रिप्लाई आ गया कि मैं ऐसा नहीं, तो चोर की दाढ़ी में चिपका वाली मानी। तो इससे जो है विरोधी देश को जो एक संदेश देना है वो एक अच्छी प्रक्रिया है, उससे मैं कम से कम इतना सर। अच्छा मैं तो इस तरीके से भी देखता हूँ सर कि कोई आपके ऊपर अनाचल लगाता है, कुछ करता है, तो आप उसको जवाब देने के बजाय करके दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं एमबीए में पीएम के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, जनरल भी कह रहा हूँ कि बात जवान से जवान लड़ाने से अच्छा है कि कार से जवाब दिया जाए। बिल्कुल कार से जवाब दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बंधन तो होता ही है कि एकदम से युद्ध करना वो करना हो और वो चाहे जैसे हो हमको उससे नहीं पता, लेकिन हम आप तो भारतीय संस्कृति से जो तो बड़ा अंतिम क्षण पे करते हैं। अभी आपने महाभारत सीरियल में भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा, भगवान श्री कृष्ण की आखिरी तक इच्छा थी कि संधि हो जाए, भले वो तो 5 गांव तक पे राजी थे सर। वो 5 गांव क्या बात में, मेरे ख्याल से जितना मेरे दिमाग में बैठा हुआ है जी जी, उन्होंने कहा 5 गांव तो क्या सुई की एक बराबर घूम भी नहीं। याद है तो जैसे त्रिपाठी जी मैं इंटरव्यू करता रहता हूँ तो अभी एक तरीके से मेरा मतलब प्रोफेशन के लिए प्रोफेशन को कमाया जाता है, लेकिन कमाने का नहीं है, लेकिन एक मेरी आदत है, पैशन है। लेकिन मुझे मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, मुझे आपसे इंटरव्यू करने में आनंद भी बहुत आया और ये पक्का अधूरा रह गया इंटरव्यू, कभी मौका मिला फिर किसी और उस पर करूँगा, क्योंकि इतने मन से आपने इंटरव्यू दिया है
और मेरे सवालों के अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं जो मेरे दर्शकों के लिए कंटेंट भी होगा। एक बार थोड़ा सा कोरोना काल समाप्त हो तो आपको अपने ज्योतिष विद्यालय में बुलाइए। मैं तो हमें हमारे ऐसे आए विद्यार्थियों से आप मिलिएगा। देखिए जितना हर इंसान सर अपने आप में अनोखा है, आपके पास तो ऐसा, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो हमारा सिर्फ लालच ये है कि आप हमारे विद्यालय आए, जिससे हमारे विद्यालय की प्रचार प्रसार बढ़े। और सोच हमारी वही है कि लोग सुधरे तो आए हमारे पास आके जुड़े। और दिमाग में लिखा हुआ है किसी दिन लेके आऊंगा। नहीं अभी तो बंद चल रहा है, कोई बात नहीं, दिमाग में रखूंगा, घर के पास यहीं पर रहता हूँ। तो चूंकि सर ये मेरा चैनल जो युवाओं और पर्यावरण का समर्पित है, तो दो सेंटेंस अलग अलग, एक युवाओं को प्रेरणादायक सेंटेंस कोई कह दीजिए, पर्यावरण के संबंध में कह दीजिए, वहीं से मेरा इंटरव्यू खत्म। इधर देखिए, युवा और युवा वृक्ष, ध्यान दीजिएगा आप मेरे पर, एक युवा व्यक्ति और युवा वृक्ष समाज को और देश को बहुत कुछ दे सकता है। जो भी युवा पेड़ होगा वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी दे सकता है, आपके लिए लकड़ियाँ भी दे सकता है, पत्तियों पे भी दे सकता है, और जो एक युवा है वो अच्छा जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा सकता है, देश का सैनिक भी बन सकता है, अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है। और युवा पे ही जो होता है वो देश का भविष्य निर्धारित होता है। तो युवाओं के लिए ये संदेश है कि जो सोच है वो अपनी आप पॉजिटिव रखें, कहीं भी कोई राजनीति या उससे मतलब नहीं, सबसे पहले हमारा देश है, देश है और उसके बाद धर्म है। इन दोनों को अगर हम लोग जिंदा रखेंगे, जिसका जो भी धर्म हो, मैं पर्टिकुलर कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू है कि मुस्लिम है, सबसे पहले देश है और फिर इसके बाद धर्म, इसके हितों के लिए हम जिंदगी में जीवन में काम करते रहे और इसी उद्देश्य से भेजा गया है भगवान ने इन लोगों को। यही मेरा संदेश है आपसे कि सबको आपको त्रिपाठी जी का संदेश है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसका भगवान ने एक उद्देश्य बना के भेजा है और दूसरा कंट्री कम्स फर्स्ट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।